तो वहीं करनाल के मुंडीगढ़ी गांव में उस समय खुशियां मातम में बदल गई जब सजी दजी दुल्हन आबिदा की बारात उसके घर नहीं आई। क्या है आखिरकार पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे कार चाहिए। 8-10 लाख रुपए शादी में लग गए, गरीब आदमी। हम गरीब आदमी हैं। जितना साथ ले गए सारे रिश्तेदार आए हैं। तो लड़के के बाप ने जवाब दिया, हमारा सड़का मेहमान हमारे वीरान हो गए, हमारा तो घर उजड़ लिया जी। 4-5 हज़ार की गाड़ी मांगे थी, 2 हज़ार आया। वैसे मुझे कार चाहिए। 4-5 हज़ार की गाड़ी दो, यानी मेरा लड़का भाग गया। नहीं, आपने क्या कि मैं शादी नहीं आऊंगा। तुम्हारी छोटी मोटी मांग हो तो हम उसके लिए भी तैयार। शादी का मंडप तैयार था, दुल्हन भी सज धज कर बैठी थी, हर तरफ खुशहाली का माहौल था। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर थी कि आखिर कब आएगी दुल्हन की बारात। एकाएक समय जाता रहा, सब रिश्तेदार भी आ चुके थे, सबको इंतजार था तो सिर्फ फरमान का, वो फरमान जिससे आबिद की शादी होने वाली थी, जिनकी शादी के लिए पूरा मोहल्ला टुकटुकी लगाए बैठा था। दूल्हे को शायद दुल्हन से ज्यादा दहेज पसंद था, यही वजह रही कि उसने एन मौके पर कार की डिमांड की और ये डिमांड पूरी ना होने पर बारात लेकर नहीं पहुंचा। मेरा बगल फोन पर फोन आता, क्या था बात करूं मैं, मैंने क्या मगा मेरी अम्मी से बात करिए, लेकिन क्या मैं तेरे से बात करूंगा, अगर नहीं मेरे बाप ने शादी करी तो मैं तुझे लेके भाग जाऊंगा। मैंने क्या जवाब दिया, गांव वालों की इज्जत और माँ बाप की इज्जत, ऐसा काम ना करिए। ये पूरा मामला करनाल जिले के गांव मुंडीगढ़ी का है, जहां दुल्हन आबिद की शादी फरमान नाम के युवक के साथ तय हुई थी। लड़का यमुनानगर जिले के लापरा गांव में रहता था। दहेज के तौर पर लड़की वालों ने पहले ही दामाद के लिए चमचमाती नई बाइक, कपड़े और फर्नीचर का सामान ले रखा था, लेकिन जैसे जैसे शादी नजदीक आती गई, लड़के की डिमांड भी आसमान छूती चली गई और कार की डिमांड कर लड़का शादी के लिए नहीं पहुंचा। जनाब देखो जी, लड़के वाले के बाप की नाराजगी है, सच्चाई तो यह है, मारा तो घर उजड़ लिया जी। 5 लाख रुपए हमें उससे जब दिए थे, जब घर के मकान बनाए थे जी उनने। 8-10 लाख रुपए शादी में लग गए, गरीब आदमी हम कहे करेंगे जी, कहाँ से लाएंगे हम, दिहाड़ी करते हैं जी, 200-200 रुपए की, 100 रुपए की कहाँ जाएंगे हम जनाब। फिलहाल लड़की वालों ने पुलिस को मामले की सूचना दी और लड़के वालों पर पहले भी बड़ी बड़ी डिमांड करने के आरोप भी लगाए। रिश्ता हमारा पक्का 2 साल था जी, सगाई भी दे रखी, मैंने 5 चीज दे रखी, सारों की परामनी जुती जुती लगा दे रखा, चादर पादर और 1 लाख रुपए मैंने रुपाई में दे रखे जी। 4-5 हज़ार की गाड़ी मांगी थी, 2 हज़ार है वैसे, चाहे छोटी छोटी गाड़ी का मेरा जुगाड़ था जी, छोटी मैंने दे दी थी, मजदूर आदमी 4-5 हज़ार की गाड़ी मांग रहे। हमें तो इस बात का ना इंसाफ चाहिए था, जिस तरह हमने करी थी इसी तरीके से इज्जत के आबरू के साथ साथ जाते ले गए लड़के जी। जो हमारे पे जुड़ा मजदूर आदमी है, दिहाड़ी आदमी कर कर के अपना काम गुजारा कर रहा था, ज्यादा गरीब बहुत पशु है जी। हमने इस बात को हमने जी तराज तराज खेलो, हमने यही बात देखी, इसके 3 महीने तक भी ब्याज आ रहा था। कब तक बेटियां दहेज प्रथा का शिकार बनती रहेंगी, कब तक ये दहेज लोभी शादी के पवित्र रिश्ते को तार तार करते रहेंगे। ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, ऐसे मामले दिनों दिन सामने आते हैं, जहां बेटियां दहेज की बलि चढ़ती जाती हैं। ये लालच न केवल जान पर भारी पड़ता है, बल्कि रिश्तों की डोर को भी कमजोर करता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी।